नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, मी विवेक लेंबे, डिजिटल ॲग्रोनॉमिस्ट इस्रायल केमिकल लिमिटेड च्या वतीने सर्व शेतकरी बंधूंचे हार्दिक स्वागत करतो. त्याचबरोबर आजचा आपला जो वेबिनार आहे तो तेथे जमलेले सगळे शेतकरी बांधवांचे मी हार्दिक स्वागत करतो. त्याचबरोबर आपले आजचे प्रमुख मार्गदर्शक माननीय श्री संजय नायथानी सर यांचे मी येथे स्वागत करतो. संजय नायथानी सर, प्लीज. नमस्कार, धन्यवाद विवेक. और सर्वप्रथम कृषक ऐप का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज ये अवसर दिया. मित्रों, मैं आप लोगों से हिंदी में बात करूंगा और मुझे आशा है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आएगी. यदि आपको कोई शंका या कोई प्रश्न होता है तो आप चैट में पूछ सकते हैं. मेरे सहयोगी विवेक लेंबे हमारे साथ हैं जो इसका अनुवाद करके मुझे बता देंगे या मेरे उत्तर का अनुवाद करके आपको बता देंगे. तो आज की यह व्यवस्था रहेगी. और अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए प्रेजेंटेशन पे आऊंगा. तो मित्रों, थोड़ी सी जानकारी इस्राइल केमिकल्स लिमिटेड के बारे में. तो इस्राइल केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1963 में हुई थी और उस समय इसे डेड सी वर्क्स कहा जाता था. ये इसका काम जो था वो जो इसराइल में मृत सागर है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी. वहाँ जो पानी है उसमें बहुत ज़्यादा पोटाश और मैग्नीशियम है और आज ICL उसी पानी से पोटाश और मैग्नीशियम निकाल के पूरे विश्व में व्यापार करती है. तो मित्रों, ICL की अगर हम बात करें तो ये दुनिया की छठी सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी में है और MAP और MKP की प्रमुख निर्माता कंपनी है ये. इसके अलावा दुनिया का 35% ब्रोमीन इसराइल केमिकल्स लिमिटेड से आता है और साथ ही दुनिया का लगभग 9% मैग्नीशियम ये भी इसराइल केमिकल्स से आता है. और यदि हम बात करें तो इसराइल केमिकल्स लिमिटेड के पास दो प्रमुख सोत्र हैं. जो आप बाईं साइड देख रहे हो ये वहां का नगेव डेजर्ट है, नगेव रेगिस्तान. और यहाँ की जो चट्टाने हैं इनमें बहुत अधिक मात्रा में बहुत उच्च कोटि का फास्फोरस पाया जाता है. ये यहाँ से हम फास्फोरस की खुदाई करते हैं. और जो दाहिनी साइड है, राइट साइड, वहाँ आप डेड सी देख रहे हैं जहाँ से हम पोटाश और मैग्नीशियम निकालते हैं. और इनके साथ हम नाइट्रोजन, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलाकर अनेक प्रकार की जेनेरिक और स्पेशलाइज्ड खादें बनाते हैं. तो मित्रों, आज इसराइल केमिकल्स लिमिटेड 7 से भी अधिक देशों में काम कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है जैसे हम कहेंगे. और इसमें हॉलैंड और अमेरिका ये दो जगह हैं जहां हम कंट्रोल्ड रिलीज फर्टिलाइजर बनाते हैं. और इसके अलावा स्पेन और इजराइल में हम लिक्विड और वाटर सॉल्युबल NPK बनाते हैं. बेल्जियम में वाटर सॉल्युबल NPK बनाते हैं. UK में हम पीट, स्पेशल लिक्विड और पॉलीसल्फेट, ये इन खादों का उत्पादन होता है. इसके अलावा दो प्रोडक्शन साइट हमारी, एक रोटेम इसराइल में है और एक YPH चाइना में है, जहां हम MKP, MAP, पिकासिड और वाटर सॉल्युबल NPK बनाते हैं. और भविष्य में बहुत शीघ्र हम भारत में भी उत्पादन प्रारंभ करने वाले हैं. अगर हम प्रोडक्शन फिगर्स की बात करें तो हम लगभग 50 लाख टन पोटेशियम बनाते हैं जो हमारे को
यूरोप में नंबर टू और पूरे विश्व में नंबर सिक्स पोजीशन पे लाता है। फास्फोरस की बात करें तो हम 30 लाख टन फास्फोरिक फास्फेट खादें बनाते हैं, फास्फेटिक खादें, और करीब 5 लाख टन फास्फोरिक एसिड बनाते हैं। इसके अलावा 20 लाख टन हम एनपीके ग्रेन्यूल बनाते हैं और विश्व में पीके ग्रेन्यूल्स में हम नंबर वन है। जैसा मैंने पहले बताया, ब्रोमीन और मैग्नीशियम के उत्पादन में इजराइल केमिकल्स क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर आती है। इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं फर्टिगेशन और उससे होने वाले लाभ की। तो फर्टिगेशन का जो मुख्य लाभ है वो ये है कि आप पौधे को आवश्यकता अनुसार थोड़ी मात्रा में लेकिन निरंतर खाद्य पदार्थ या खाद प्रदान कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें कोई भारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होता या बहुत ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता, में 20-30% की कटौती कर सकते हैं आप। जैसे मैंने बताया कि ये पर्यावरण के लिए बहुत सेफ है और प्रदूषण को कम करती है, साथ ही आपके जो अन्य खर्चे होते हैं, लेबर का खर्चा, इक्विपमेंट, एनर्जी, ये सारे खर्चे आपके कंट्रोल हो जाते हैं। अगर हम दक्षता की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, तो अगर आप इस खाद को, कोई भी खाद को अगर आप दे रहे हो और खुला पानी लगा रहे हो, तो नाइट्रोजन लगभग 30-40% काम करती है, फास्फोरस 20% और पोटेशियम थोड़ा अच्छा है 50% तक काम करता है। वहीं जब आप इसे ड्रिप के जरिए इसे जमीन में देके ड्रिप से सिंचाई करते हैं तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, 55% के करीब नाइट्रोजन हो जाता है, फास्फोरस बढ़ के 25% हो जाता है और पोटाश बढ़ के 60 हो जाता है। लेकिन जब आप ड्रिप इरिगेशन के जरिए देते हो, ड्रिप यानी पानी में घोल के जब आप ड्रिप से खाद देते हैं, तो ये दक्षता नाइट्रोजन की 95% हो जाती है, फास्फोरस की 45% हो जाती है और पोटाश की 80-85% हो जाती है। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं पोजिशनल अवेलेबिलिटी। तो अगर मैं बात करूं नाइट्रेट, नाइट्रोजन और नाइट्रेट नाइट्रोजन और कुछ अन्य खाद जैसे सल्फर और बोरॉन है, तो ये पौधा पानी में बहुत दूर से ले लेता है, लगभग 4 सेंटीमीटर की दूरी से इस खाद को ले सकता है। लेकिन अगर उसे पोटेशियम जैसी खाद लेनी है तो क्या कहते हैं, उसे और नजदीक होना होगा, कैल्शियम के लिए और नजदीक आना पड़ेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम के लिए, और फास्फोरस के लिए इसे बहुत करीब होना होगा, लगभग 2 मिलीमीटर के करीब इस खाद को होना होगा, तभी ये पौधे को मिल पाएगी। तो अब पौधे की जड़ से 2 मिलीमीटर दूर पे खाद कैसे डाल सकते हैं, और उसका केवल एक ही उपाय है कि आप इस खाद को पानी में घोल के दे। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर यूज करने से आपकी फर्टिलाइजर की दक्षता, आपकी उर्वरक की दक्षता बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा हम आज हमारी प्रोडक्ट लाइन पे नजर डालेंगे। तो
शुरुआत करूंगा मैं एमकेपी से। तो एमकेपी एक बहुत ही पुरानी जानी पहचानी खाद है, जिसे हम 05234 के नाम से जानते हैं, और ये एक लो सॉल्ट इंडेक्स वाली खाद है। इसमें हैवी मेटल्स की मात्रा नगण्य है, और ICL दुनिया का पहला और सबसे बड़ा एमकेपी का निर्माता है। और अगर मैं इसके प्रमाण की बात करूं तो इसमें फास्फोरस 52% है, पोटेशियम 34% है, हैवी मेटल्स की मात्रा 5 ppm, यानी 10 लाख में केवल 5 हिस्से हैवी मेटल है, और इसका 1% घोल का सामू या pH 4.5 के करीब रहता है, यानी ये एक एसिडिक खाद है, और ये करीब 230 ग्राम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व हो जाती है 20 डिग्री के तापमान पर। इसी प्रकार MAP जो है वो भी एक बड़ा अच्छा फॉस्फेटिक का सोर्स है, जिसमें 61% फॉस्फोरस रहता है, और अगर आप देखें तो इसका भी pH जो है वो 4.5 के करीब है, और इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो MKP से बेहतर है। ये करीब 380 ग्राम प्रति लीटर घुल जाता है, और ये भी एक ICL के तरफ से बड़ा अच्छा फर्टिलाइजर है, खासकर शुरुआती अवस्था में। इसके बाद हम बात करेंगे एक ICL की स्पेशलिटी फर्टिलाइजर की, मैगफॉस की। मैगफॉस जो है इसमें 0.5518 प्लस 7 है। मैग्नीशियम जो होता है वो पौधे में जो पर्ण हरित क्लोरोफिल होता है उसके लिए बहुत आवश्यक होता है, और शुरुआती अवस्था में जब पौधा पत्तियां बना रहा है तो उसे बहुत ज्यादा मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। किंतु महाराष्ट्र की जमीनें ऐसी हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम की प्रायः कमी देखी जाती है, तो ऐसे में यदि आप मैगफॉस प्रयोग कर रहे हैं तो ये एक एक्सेलेंट स्टार्टर खाद है, यानी शुरुआती अवस्था के लिए बहुत ही उपयुक्त खाद है, क्योंकि ये न केवल उच्च मात्रा में फास्फोरस देती है बल्कि उसके साथ साथ मैग्नीशियम और पोटेशियम भी प्रदान करती है। और जहां पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है वहां भी मैगफॉस जो है जो हार्ड वाटर होता है उसे सॉफ्ट कर देता है, उसमें से जो बाइकार्बोनेट होते हैं जो फास्फोरस के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है, और इस प्रकार आपको इसका ज्यादा लाभ मिलता है। अगर मैं इस प्रोडक्ट के pH की बात करूं तो इसका pH लगभग 3.7% है, और इसमें भी हैवी मेटल्स जो हैं 10 हिस्सा प्रति 10 लाख से कम है, और जैसे मैंने बताया 7% इसमें मैग्नीशियम है, साथ इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है 400 ग्राम प्रति लीटर। तो मैगफॉस के कम pH होने का एक जो अतिरिक्त लाभ है वो ये है कि अगर आप इसे रेगुलरली यूज कर रहे हैं, लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपकी ड्रिप को साफ कर देता है, आपकी ड्रिप चोक नहीं होने देती, और ये प्रोडक्ट केवल और केवल ICL बना रही है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और प्रोडक्ट है 12-6-22। 12-6-22 को हमने उन फसलों के लिए डिजाइन किया जहां बार बार आप तुड़ाई करते हो, जैसे भिंडी हो गई, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, जहां बार बार फूल आता है, बार बार फल लगता है, बार बार आप तोड़ते हो, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट 12-6-22
सर्वथा उपयुक्त है, और इसमें 12/6/22 के साथ 12% कैल्शियम ऑक्साइड भी है। ये भी ड्रिप से देने वाला एक प्रोडक्ट है, और चून खड़ी युक्त जमीन या हार्ड वाटर वाली जमीन के लिए भी सूटेबल है। ये जो ड्रिप लाइन है उन्हें चोक नहीं होने देता, बहुत अच्छी इसकी सॉल्युबिलिटी है, बहुत कम पीएच है, और इसमें हैवी मेटल्स की मात्रा बहुत कम है। तो इसका पीएच जो है वो भी 3.7 के करीब है, और इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो 400 ग्राम प्रति लीटर है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें 12/6/22 प्लस 12 कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ये हाई पोटैश हाई कैल्शियम ग्रेड है। जो फसल जैसे मैंने पहले बताया बार बार तोड़ी जाती है उसमें इसका प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। ये फसल में क्रंचीनेस लाती है, ये फसल में जो शेल्फ लाइफ होती है उसे बढ़ाती है, और रोगों से लड़ने की सहन शक्ति जो है उसे भी बढ़ाती है। तो इसमें एक अगर हम बात करें तो 2 हिस्सा नाइट्रोजन, 1 हिस्सा फास्फोरस और 4 हिस्सा पोटाश है, जो फल के मटर के दाने के साइज से लेके और पूरा साइज होने तक इसका प्रयोग किया जाता है, और फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज जो होता है उसमें इसका प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट जो बहुत यूनिक है हमारा, वो है 5/45/5 प्लस 8 जिंक। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जिंक को प्रायः आप फास्फोरस के साथ नहीं दे सकते, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें फास्फोरस और जिंक दोनों साथ साथ हैं, और 8% जिंक है। तो ये 5/45/5 प्लस 8 जिंक, ये हाई फॉस्फेटिक ग्रेड है, और शुरुआत में जब पौधे को जिंक की बहुत आवश्यकता होती है उस समय ये ग्रेड बहुत अच्छा काम करता है। आप चाहें तो मैकफॉस और 5/45/5 को अल्टरनेट करके भी अपने ड्रिप में चला सकते हैं। इसका भी पीएच बहुत कम है, 3 इसका पीएच है 1% घोल का, और इसकी भी जो सॉल्युबिलिटी है इसकी घुलनशीलता जो है 400 ग्राम प्रति लीटर पानी है। 1:9:1 का इसमें एक अद्भुत अनुपात है, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें 1:9 की रेशियो में नाइट्रोजन फास्फोरस है। तो शुरुआती अवस्था में जैसे मैंने बताया ये बहुत ही कारगर साबित होता है। इसके अलावा अन्य हमारे प्रोडक्ट आते हैं एनपीके 1919 13/40/13, पर इनकी मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा पीकासेड की। आपने नाम सुना होगा इस खाद का, पीकासेड, जिसे लोग बाग आम बोलचाल की भाषा में 0/60/20 भी बोल देते हैं, और जैसा आप जानते हैं कि अब एसिड मिलना मुश्किल हो गया है, और क्या कहते हैं जो एसिड है उसके साथ अपने खतरे और नुकसान रहते हैं, ऐसे में पीकासेड एसिड पे का एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट है, एसिड का एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट है। इसको खास तौर से चून खड़ी युक्त जमीनों के लिए डिजाइन किया गया है, और ये एक सॉलिड प्रोडक्ट है, तो इसके गिरने फैलने या किसी को नुकसान पहुंचाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, और ये बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है, और
ये ICL की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ प्रोडक्ट है। तो पानी में यह पूरी तरह सॉल्युबल है, इसका पीएच बहुत कम है, लगभग 2.5 के करीब है, और ये जो चूनखड़ी युक्त जमीनें हैं और जहां पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है वहां ये बहुत बेहतर काम करता है। और अगर आपकी ड्रिप लाइन चोक हो रही है तो और आप पीका सेट चलाते हैं तो ये आपकी ड्रिप लाइन को भी अपने एसिडिफाइंग पावर से खोल देगा। ये पानी में मौजूद बाइकार्बोनेट्स को न्यूट्रलाइज कर देता है और सिस्टम की ब्लॉकेजेस को रोकता है। जीरो 60-20 इसके बारे में हमने जांचा और इसकी जैसे मैंने बताया घुलनशीलता करीब 670 ग्राम प्रति लीटर है, इसका पीएच 2.2 के करीब है। ये अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो सबसे बाएं जो है नॉर्मल एमिटर है पानी का, ड्रिपर है, जिसपे आप देखें चारों तरफ कार्बोनेट जम चुका है। और दूसरा जो बीच वाला चित्र है इसमें आप देख रहे हैं जहां पीका सेड यूज हो रहा है वहां जो झाग बन रहा है ये पूरा का पूरा ड्रिपर को साफ कर रहा है। और सबसे दाहिने जो है वही ड्रिपर अब आप देखिए पूरा खुल गया है और अच्छे से अब इसमें से पानी आ सकेगा। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं जहां MKP लगभग 230 ग्राम में एक लीटर पानी में घुलता है और MAP 380 ग्राम घुलता है, वहीं पीकासेट की जो घुलनशीलता है वो सर्वाधिक 667 ग्राम प्रति लीटर पानी में है। सामान्य रूप से अगर आप देखें तो फास्फोरस के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम को आप नहीं मिला सकते, लेकिन ICL की जो पीकासेट टेक्नोलॉजी है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों को मतलब दोनों फास्फेट के साथ मिलाए जा सकते हैं। इसमें आप चाहे तो कैल्शियम और पीकासेट मिला के दे सकते हैं, चाहे तो मैग्नीशियम और पीकासेट मिलाकर दे सकते हैं, और इस प्रकार आपको बार बार सेपरेट टैंक की जरूरत नहीं होती। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये कंपैटिबिलिटी चार्ट है और इसमें आप देख रहे होंगे कि जो बात मैं कह रहा था कि MAP मतलब फॉस्फेट के साथ आप मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, ये चार खाद आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के साथ नहीं मिला सकते, लेकिन अगर आप पीकासेड यूज कर रहे हैं तो पीकासेड के साथ ये संभव हो जाता है। इस टेबल की हम चर्चा कर चुके हैं, इसमें सभी खादों के हमारे घुलनशीलता और पीएच दे रखा है। अब हम चर्चा करेंगे फोलियर फर्टिलाइजर्स की, और अगर मैं फोलियर फर्टिलाइजर्स की बात करूं तो हमारी जो खाद है वो फर्टिमॉन्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इसके जो मुख्य फायदे हैं वो ये है कि ये बहुत ही सेफ फोलियर फर्टिलाइजर है और ये पौधे या पर्यावरण पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं डालता। करीब 30 दिन के अंदर ये पूरी तरह इसका विघटन हो जाता है और पता भी नहीं लगता कि आपने ये स्प्रे किया था। इसमें एक खास तरह का स्प्रेडर और स्टिकर मिलाया हुआ है जो इसे लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस देता है, यानी ये लगभग 3 हफ्ते तक काम करता है।
तो अगर आप देखें जहां पर आप फर्टीवॉन्ट यूज करते हो तो वहां पे जहां नॉर्मल स्प्रे है वहां पानी जो है वो बिल्कुल गोल बूंद बनाता है और इसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा पत्ती को छूता है, लेकिन जहां आप 40 वॉट यूज करते हो वहां ड्रॉप जो है वो फैल जाती है और पत्ते के बड़े हिस्से पे चिपकती है, जिससे जो पोषक तत्व है वो आसानी से पत्ते में प्रवेश कर पाते हैं। तो यहां पर हम दो चित्र देख रहे हैं। पहला चित्र जो है वो उसमें नॉर्मल स्प्रे है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ बूंदों का आकार बहुत बड़ा है, लेकिन दाहिनी तरफ जो चित्र है उसमें आपको बहुत छोटी बूंदें दिखेंगी और ये जो है ये 40 वॉट से स्प्रे किया हुआ है। तो क्या होता है जब आप 40 वॉट स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे को बहुत छोटी बूंदों में तोड़ देता है और उससे क्या होता है कि ये पत्ते पे समान रूप से फैल जाती है और जब हवा चलती है तो जो मोटी बूंदें होती हैं वो तो गिर जाती हैं, लेकिन ये जो बारीक बूंदें हैं, छोटी बूंदें हैं, ये पत्ते पे चिपकी रहती हैं और ये नीचे नहीं गिरती। हम लोगों ने एक प्रयोग किया, उसमें हम लोगों ने नॉर्मल बाजार में मिलने वाला फोलियर फर्टिलाइजर यूज किया, फोलियर फर्टिलाइजर के साथ स्प्रेडर स्टिकर मिला के यूज किया और 40 वॉट टेक्नोलॉजी वाला न्यूट्रीवॉन्ट यूज किया। तो आप देखिए कि ये नीचे वाली लाइन जो है दाएं से बाएं, सॉरी बाएं से दाएं, ये समय की अवधि है घंटों में और नीचे से ऊपर जो है ये बता रहा है कि पौधे ने कितना फर्टिलाइजर अवशोषित किया। तो जो नीली लाइन है वो आमतौर पे मिलने वाला MKP 0534 है और अगर आप इसे देखें तो 100 घंटे बाद पौधे ने इसे अवशोषित करना बंद कर दिया और ये लगभग पौधे ने 9% के करीब साधारण MKP को अवशोषित किया। जब हमने इसमें स्प्रेडर स्टिकर मिला दिया तो ये कुछ बेहतर होके करीब ऐसे कहिए कि 12.5% तक पौधे ने इसे अवशोषित किया, लेकिन 100 घंटे के बाद 100-125 घंटे के बाद इनका अवशोषण ऑलमोस्ट बंद हो गया। जबकि ICL का न्यूट्रीवॉन्ट जहां प्रयोग किया वो करीब 350 घंटे यानी 15 दिन तक काम करता रहा और जहां अन्य खाद जो थी वो 9-12% पौधे ने ली, वहीं इसे 25%, दो गुना काम किया यानी। तो इस तरह हम देखते हैं कि न्यूट्रीवॉन्ट के जरिए फोलियर स्प्रे करने में हमारे को अधिक लाभ मिलता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्प्रेडर स्टिकर और ह्यूमेक्टेंट तीन विशेष प्रकार के एडजुवांट मौजूद है जो इसे पौधे पर देर तक चिपकाए रखते हैं। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं किस प्रकार ये पानी की बूंदों को फ्लैट करके जो आपका प्रोडक्ट है उसकी कार्य क्षमता बढ़ा देता है। तो न्यूट्रीवॉन्ट सीरीज जो है हमारी 4 ग्रेड में आती है। पहली स्टार्टर है। स्टार्टर जैसा नाम बताता है स्टार्टिंग में यूज करना है। इसका जो इसमें प्रमाण है वो 11-36-24 है और ये एक फास्फोरस हैवी ग्रेड है। इसके बाद दूसरा ग्रेड जो आता है वो आता है बूस्टर।
बूस्टर का जो नाम है वो ये जैसा नाम है वैसा ही काम है, ये एक बूस्ट देता है और पौधे को तैयार करता है रिप्रोडक्टिव फेज के लिए। ये पोटाश हैवी ग्रेड है 8-16-39, इसमें एक यूनिक कॉम्बिनेशन है 1-2-5 का, एक हिस्सा नाइट्रोजन, 2 हिस्सा फॉस्फोरस और 5 हिस्सा पोटाश। और इसके अलावा इन सभी खादों में थोड़ी मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व भी मौजूद है, जिसमें जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर आदि हैं। तीसरा प्रोडक्ट जो आप देख रहे हो वो है फ्रूट वॉन्ट, और जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले 12-6-22 के बारे में बताया था, तो 12-6-22 प्लस 12 कैल्शियम ऑक्साइड, उसी तरह से ये एक वाटर सोल्यूबल फोलियर ग्रेड है 12-5-27 प्लस 8 कैल्शियम ऑक्साइड। मित्रों यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देखिए कि हम ये दोनों प्रोडक्ट जो है अलग अलग बनाते हैं, अलग अलग ग्रेड रहती है। हम वो काम नहीं करते कि वाटर सोल्यूबल ग्रेड को ही पैकेट में पैक करके फोलियर ग्रेड की तरह बेच दें। फोलियर ग्रेड जो होते हैं वो ज़्यादा परिष्कृत, ज़्यादा अच्छे होते हैं, और इसके लिए इन्हें अलग ग्रेड रखा गया है ताकि कोई मिलावट मिक्सिंग ना हो सके। तो ये 12-5-27 प्लस 8 कैल्शियम ऑक्साइड, ये ऐसा ग्रेड है जिसे आपने फ्रूट डेवलपमेंट के स्टेज पर प्रयोग करना है। इसके अलावा हमारा एक और बहुचर्चित ग्रेड है पीक वॉन्ट, जो एक वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर के साथ साथ एक माइल्ड फंजीसाइड भी है। तो हम लोगों ने ये देखा है जहां आप पीक वॉन्ट का स्प्रे करते हो वहां डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, इस टाइप की जो पत्तों वाली बीमारियां हैं इनका प्रकोप बहुत कम हो जाता है। तो ये हमारे वाटर सॉल्युबल और वाटर और फोलियर ग्रेड के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। इसके अलावा मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा एक जो हमारी आजकल सबसे लोकप्रिय खाद है पॉलीसल्फेट, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। पॉलीसल्फेट एक प्राकृतिक नैसर्गिक खत है और इसमें जो है 4-in-1 4 पोषक तत्व एक ही खाद में है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सल्फर। पॉलीसल्फेट जो है ये जैसे मैंने बताया प्राकृतिक रूप से मिलता है और ये जमीन से लगभग 1200 मीटर नीचे से हम इसे खोद के लाते हैं। इंग्लैंड में नॉर्थ सी के पास इसकी खदानें हैं जो आप चित्र में देख रहे हैं, और ये देखिए किस प्रकार से हम इसे माइनिंग कटर से काट के बाहर लाते हैं, और बाहर आके इसका केवल चूरा होता है और चूरा करके हम आपको बेच देते हैं ये। और ये 100% ऑर्गेनिक खाद है जो ओमरी, FIBL, इन्फोक्सजेन जैसी संस्थाओं से प्रमाणित है, और हम भारत में भी इसे अन्य एजेंसी द्वारा प्रमाणित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो इसके मुख्य विशेषताएं क्या है, इसमें 4-in-1 फर्टिलाइजर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, 4 पोषक तत्व तो एक ही खाद से मिल जाते। इसका न्यूट्रल पीएच है, न्यूट्रल पीएच होने की वजह से ये जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाता, और
ये इसमें चारों न्यूट्रिएंट की मात्रा समान रूप से मिलती है, चाहे आप कहीं से भी लें इसमें मात्रा समान रहती है। और ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, ये पानी में धीमे धीमे घुलता है और लंबे समय तक काम करता है। इसकी मात्रा जो है, इसकी मात्रा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये लगभग, इसकी डोज 50 से 100 किलो तक जाती है। अगर छोटी अवधि की, कम अवधि की फसल है तो हम 50 से 75% की सिफारिश करते हैं, यानी अगर आपकी 3 से 4 महीने की फसल है तो 50 किलो पर्याप्त है। लेकिन अगर 3 से 5 महीने की फसल है तो आपको ये 75 किलो के आसपास डालनी होगी। और कुछ फसल जैसे आलू हो गया, तरबूज हो गए, खरबूजा हो गया, काकड़ी हो गई, ऊस हो गया, और आपका बनाना, केली, इनमें आपको ये करीब 75 से 100 किलो प्रयोग करना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कपास की, तो उसमें अगर आप पॉलीसल्फेट यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ये लालिया रोग को भी आने से रोकेगा। तो मित्रों, ये संक्षेप में जानकारी थी ICL के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में। यदि आप लोगों के कोई प्रश्न हैं तो मैं अपने सहयोगी विवेक से कहूंगा कि वो हमारे वो प्रश्नों को साझा करें ताकि हम उन पर चर्चा कर सके। विवेक, कुछ प्रश्न है क्या? तेजस्वनी मैम, जर काही प्रश्न असतील तर तुम्ही स्क्रीनवर दाखवू शकता। नवनाथ नवऱ्यांचं क्वेश्चन आहे, तुमच्या खात्यांची माहिती मिळत नाही सर, जर तुम्ही आमच्या फेसबुक पेज किंवा आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे त्याच्यावर जर कॉन्टॅक्ट केला तर तुम्हाला आमच्या खात्यांबद्दल संपूर्ण माहिती, त्याचबरोबर त्याचे लिफलेट आणि ब्राउचर मिळून जातील। तर आमचा टोल फ्री नंबर आहे 1800-210-3031 आणि व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 88-06-185-195। आणि सर्व पिकांचं खत व्यवस्थापन किंवा जे क्रॉप शेड्यूल आहेत ते जर पाहिजे असतील तर तुम्ही आमच्या टोल फ्री, त्याचबरोबर जो ICLचा टोल फ्री क्रमांक आणि व्हॉट्सअप क्रमांक आहे त्याच्यावर संपर्क करू शकता। सर, संदीप बाबर एक फार्मर है, उनका क्वेश्चन है ईसी क्या है, जीरो पेकेटेल का ईसी क्या है? किसका ईसी? पेकेटेल 060-20 का ईसी जो है वो बहुत कम है, एक से नीचे ही है, एग्जैक्ट मेरे को अभी याद नहीं, इसके लिए मुझे इसकी डाटा शीट देखनी पड़ेगी। बाळूभाऊ नाटे यांचा क्वेश्चन होता, पपई बद्दलची माहिती किंवा जे शेड्यूल पाहिजे आहे तर त्यासाठी तुम्ही आमचा जो टोल फ्री क्रमांक किंवा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे त्याच्यावर संपर्क करू शकता। धन्यवाद, मला वाटतंय या ठिकाणी सर्व क्वेश्चन किंवा प्रश्न जे आहेत ते संपलेले आहेत। संदीप बाबरांना ईसीची माहिती त्यांच्या नंबरवर पाठवण्यात येईल। ओके,
धन्यवाद कृषी कॅबचे, खूप खूप धन्यवाद. त्याचबरोबर जोडलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचे मी खूप खूप धन्यवाद देतो. त्याचबरोबर आपले आजचे प्रमुख मार्गदर्शक माननीय श्री संजय नैतानी सर यांचंही मी कृषिक व इस्रायल केमिकल लिमिटेडच्या वतीने खूप खूप धन्यवाद देतो व आजचा वेबिनार येथेच संपला असं जाहीर करतो. धन्यवाद.